हाय गाइस, दिस इज़ यूट्यूब चैनल मार्केट मूवर और यहाँ पे मिलते हैं आपको क्वालिटी वाले स्टॉक्स की डिटेल। और आज इस वीडियो पे दो स्टॉक के बारे चर्चा करूँगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, SBI कार्ड और IRCTC। IRCTC में तेज़ी के बाद फिर से नीचे के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या होगा बेस्ट बाइंग लेवल्स और साथ ही कुछ टेक्निकल्स चीज़ें और आउटलुक देखूँगा इस कंपनी का कि कहाँ तक ये स्टॉक नीचे आएगा, तो क्या इसे ख़रीदना चाहिए, क्या ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता है या नहीं बैठता, या फिर आपको इतने ही पैसे पे कोई दूसरी कंपनी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले SBI कार्ड का IPO से यहाँ से स्टार्ट करूँगा। SBI कार्ड्स का जब IPO आया था तब मार्केट में बहुत ज़्यादा करेज था और इस स्टॉक ने लिस्टिंग के दिन दिखाया भी है। ये फर्स्ट कैंडल आप देख पाएंगे, पहला कैंडल जिस दिन बना था उस दिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी और नेगेटिविटी थी, बट इस स्टॉक ने अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखा। लेकिन एंड ऑफ द डे ये क्लोज होते होते स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आई, बट दो दिन फिर से तेज रहा स्टॉक और अपने जिस लेवल पे IPO इनका आया था 750 का, उसी लेवल पे गया। और यहाँ पे देखिए, माल लोगों ने काटा, माल को काट दिया 750 पे जहाँ पे IPO अप्लाई हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट करेक्ट होगा और ये स्टॉक बच नहीं सकता। इस पे FIIs और HNIs, आप याद रखिएगा, FIIs और HNIs, आप जाके इनकी हिस्ट्री देख सकते हैं IPO की अप्लाइंग की, इनका पैसा लगा हुआ था और ये पैनिक नहीं होने दिए, इस स्टॉक को गिरावट पे संभाल के रखा और अपना पैसा वहाँ पे काटा। स्टॉक पे अभी गिरावट है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस स्टॉक पे गिरावट और भी गहरा सकती है, बट आज के चार्ट पैटर्न पे थोड़ी सी ये नज़र आई है कि स्टॉक 500 रुपये पे, मैंने कहा था पिछले दिन कि 500 रुपये पे एक सपोर्ट है, इसका ज़बरदस्त सपोर्ट है जो कि स्टॉक को नीचे नहीं जाने दे सकता है। तो स्टॉक पे देखिए, स्टॉक पे डाउन ट्रेंड कैसे नज़र आ रहा, तो मैंने वॉल्यूम वाली कैंडल्स लगाई है और आप देखिए, दो दिनों का जो वॉल्यूम है वो पिछले लगभग 4, 3, 7, 10, 15, 16 दिनों पे वॉल्यूम जो थी उस वॉल्यूम को भी ब्लीच करता नज़र आ रहा, और दो दिनों से अच्छी खासी सेल वॉल्यूम नज़र आ रही है, रेड कलर की कैंडल नज़र आ रही है। लेकिन आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि कल के कैंडल की लो को इसने ब्लीच नहीं किया। अगर ये स्टॉक कल के कैंडल की लो को ब्लीच करके नीचे क्लोजिंग करता तो समझ जाते और 500 का अहम सपोर्ट जो है वो टूट गया है, बट अप्रॉक्स वहीं पे है। 1-2 रुपये को आप मायने नहीं दीजिएगा, 500 का स्टॉक है तो 5-7 रुपये का गैप आपको देखना होगा, ऊपर नीचे, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता। तो अगर ये स्टॉक फिर कल नीचे डाउनसाइड दिखाता है और इस कैंडल के लो को ब्लीच करता है और नीचे ट्रेड होने लगता है, तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक को नीचे के लेवल्स को देख पाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी मान के चल सकते हैं। इसके पास टेक्निकल लेवल्स को देखने के लिए बहुत लंबा चार्ट पैटर्न नहीं है, ये हाल ही की लिस्टिंग है, लेकिन 500 पे जबरदस्त सपोर्ट है जो कि आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे, और वो यहीं पे घूम रहा है। अगर ये स्टॉक रुक जाता है तो फिर आपको एक तेज़ी दिखेगी इस स्टॉक पे, तब आपका ये डबल बॉटम सेप वाला स्टॉक बन जाएगा और डबल बॉटम सेप वाले स्टॉक पे फिर आपको ऐसी वाली मोमेंटम दिखेगी। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि स्टॉक यहाँ पे संभल जाए तो तेज़ी, और अगर नीचे 490 के नीचे इसने क्लोजिंग की तो नीचे गहराएगा इसका ये मतलब इसकी प्राइस को, और आप नीचे देख पाएंगे। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है, बट अभी जो सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशंस पे स्टॉक को, कौन से स्टॉक को पकड़ूं, क्योंकि बिगी स्टॉक आपको नीचे मिल रहे हैं, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे HDFC बैंक हो, बहुत लीडिंग कंपनी, लार्सन एंड टूब्रो, टाइटन, HUL, एशियन पेंट, क्या है, सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो मैं इस हाल ही की लिस्टिंग वाली पे पैसा लगाऊँ या ना लगाऊँ, ये तो आपका सोच होना चाहिए, आपकी मर्जी होने चाहिए। जो क्लियरिटी हमने अभी सभी वीडियोस पे देने की कोशिश की है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, नेगेटिव ना लीजिएगा। हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, इमोशनली हो, चाहे चैनल के कंटेंट्स हो, चाहे जैसे भी हो। तो ये पहली स्टॉक थी, चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, IRCTC की। देखिए, आज IRCTC पे आपको गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 5 दिनों का जब हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट लगाएंगे, सॉरी ये चार्ट है, जो भी चार्ट है, ये ग्राफ चार्ट है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अपर सर्किट के बाद इस स्टॉक पे ट्रेडिंग हुई और आज ये स्टॉक आपको नीचे दिख रहा है। तो अभी इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए,
तो स्टॉक पे टेक्निकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट का मतलब है कि ये स्टॉक आपको 1260 1270 पे और यहाँ पे जो लो बना था रिसेंट लो, मैं एक महीने का चार्ट पैटर्न लगा रहा हूँ, देखिए ये एक सपोर्ट लेवल हो सकता है 1270 का और दूसरा सपोर्ट है 1200 का। तो 1270 और 1200 का सपोर्ट लेवल है इसके पास, तो इस स्टॉक को ये दो सपोर्ट लेवल्स पे आराम से बने रह सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ये स्टॉक है लॉन्ग टाइम बीट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द डेटा। ये आप गारंटी लेके नहीं जाइएगा कि स्टॉक पे गारंटी है, तब तो हर कोई IRCTC के स्टॉक पे ही पैसा लगा के बैठ जाता, फिर ये स्टॉक नीचे ही नहीं आता, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त है, साथ ही डेट फ्री कंपनी है, इनोवेटिव बिजनेस है, इनके टक्कर पे दूसरा कोई कंपनी नहीं है और बहुत बड़ा नेटवर्क है रेलवे का, आपको पता ही है, और उस रेलवे का नेटवर्क का फ़ायदा उठाती है IRCTC, क्योंकि टिकट और ट्रेवल टूरिज़म जो भी चीज़ें हैं और ड्रिंकिंग वाटर जो भी है ये सप्लाई करते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC, तो बेस्ट नेटवर्क है और बेस्ट। आपने देखा कि ये दो सपोर्ट है, तो ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है 1270 के आसपास में सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे ही रुक जाना चाहिए, और अगर नीचे जाता तो फिर 1200 का नेक्स्ट सपोर्ट है, गारंटी नहीं है, बट ये टेक्निकली देखा जाए तो मैंने टेक्निकली उस चार्ट पैटर्न पे जाके देखने के बाद ये वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश की जाए। अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कीजिएगा तो आपको लगभग 1260-1275 का ये दो लोज से ट्रेंड अगर ड्रॉ कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, और ऊपर पे रेजिस्टेंस तो आपने देखा ही है कि ये रेजिस्टेंस जोन है, अभी इस जोन पे इसने एक बार स्टॉक ने घूम के भी आया 1437-38 का, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो स्टॉक पे रहें लंबे समय के लिए, ये स्टॉक अच्छा है, जितनी गिरावट होगी उतनी अच्छी बात है, क्योंकि नीचे के लेवल्स पर आप स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। कुछ बेहतरीन स्टॉक्स हमने अपडेट किया था, जैसे कि आपने देखा होगा अभी विनाइल केमिकल्स के बारे में हमने अपडेट किया था, वो स्टॉक चला, उसके बाद स्क्वाट किया स्टॉक चला, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में कल मैंने मिस्र धातु निगम लिमिटेड के बारे में वीडियो बनाया था, वीडियो काफ़ी पसंद किया लोगों ने, और मिस्र धातु निगम लिमिटेड बाकी में एक लॉन्ग टर्म बीट है 200-250 का स्टॉक, वो भी स्टॉक 7-8% चल चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है लोगों का भी और स्टॉक का भी, जो हमारे चैनल पे आपको दिखाया जाता है। गारंटी नहीं लेके जाइएगा, नॉलेज लेके जाइएगा, यही मेरी एक्चुअली में मेरा मोटिव है कि यही चीज़ होना चाहिए। आप सिर्फ पैसे बनाए चैनल से ये ना उम्मीद कीजिए, आप खुद को भी ट्रेंड कीजिए, ऐसा मेरा वीडियो का कंटेंट होना चाहिए और उस दिशा पे मैं काम करता जाता हूँ। आपका प्रॉफिट होगा बहुत अच्छी बात है, आपको लॉस होगा आप ही का रहेगा, आपका प्रॉफिट आप ही का रहेगा। स्टॉक पर बने रहिए, स्टॉक बहुत अच्छा पोटेंशियल है IRCTC का, और साथ ही अभी जो सपोर्ट लेवल है दोनों सपोर्ट लेवल पर रुक जाएगा ये स्टॉक, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर गया तो मोस्ट प्रोबेबली और नीचे के लेवल्स फिर देखेंगे, तो अभी तो मुझे नहीं नज़र नहीं आ रहा है कि इतना नीचे का लेवल से गया। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत बार यहाँ से घूम चुका है ये स्टॉक, तो इस स्टॉक पे बने रह सकते हैं 1260-1270 और लास्ट 1200 का स्टॉप लॉस बना के, जिन लोगों ने बाइंग किया, और जिन लोगों ने बाइंग नहीं किया है वो वेट करे, हो सकता है स्टॉक आपको और नीचे के लेवल्स पर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो चलिए, ये सभी वीडियोज़ भी अच्छे लगने चाहिए मेरे ख्याल से, अगर अच्छा लगता होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।